Dipralen. Amen. Dipralen. Amen. Dipralen. Amen. Dipralen. Amen. Our land. Our life. Our land. Our life. Our land. Our life. We want justice. We want justice. We want justice. We oppose. Yeah. 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 Bangladeshi. Go back. Bangladeshi. Go back. Bangladeshi. Go back. Illegal immigrants. 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 Go back. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We promise ye ye band karo. Band karo. Band karo. We promise ye ye band karo. Band karo. Band karo. We promise ye ye band karo. Band karo. Band karo. Notice me ye ye band karo. Band karo. Band karo. Notice me ye ye band karo. Band karo. Band karo. Notice me ye ye band karo. Band karo. Hatao. Desh ke bachao. Videshi hatao. Desh ke bachao. Videshi hatao. Desh ke bachao. Tipra bachao. Desh ke bachao. Tipra bachao. मैं पाताल को नजोबतिया प्रेसिडेंट ऑफ त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट करने आई है किन उद्देश्यों को लेकर के आई है आज हम वहाँ पे गैदरिंग हुआ सिटीजन से एमएनए एक्ट के खिलाफ में हम लोग अगेंस्ट प्रोटेस्ट रैली एंड प्रोटेस्ट गैदरिंग के लिए आया तो जो पूरे देश में इसके बवाल छिड़ा हुआ है और ये लागू हो भी चुका है क्या पत्तियां हैं इससे अब तो ये हट भी नहीं सकता मैडम अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था त्रिपुरा की तरफ से 2 केस है ऑन बिहाफ त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट एंड रॉयल डायनेस्टिक फैमिली से किंग क्रोधर विक्रम किशोर मणिक बहादुर 2 केस ऑलरेडी फाइलिंग है अभी सुप्रीम कोर्ट में तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है ये हम लोग को उम्मीद है 22 में हियरिंग था 22 जनवरी में हियरिंग है तो ये हियरिंग में जरूर सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने नहीं देगा त्रिपुरा में ये हम लोग का उम्मीद है और ये हम लोग का अपील भी है ऑलरेडी हम लोग फाइलिंग है रिट पिटीशन दे चुका है त्रिपुरा में किसी भी कारण से भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन क्लियरली मेंशन है त्रिपुरा पहली इंडिया नहीं था त्रिपुरा एक फ्रीडम डायनेस्टिक रॉयल डायनेस्टिक कंट्री था तो जब हम लोग इंडिया का सर स्मार्ट हुआ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन था 1947 13 अगस्त में वहाँ पे इंडिया गवर्नमेंट एनी फर्दर लॉ क्रिएट कर सकती है बट विदाउट कंसर्न ऑफ द पीपल ऑफ त्रिपुरा दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट इन त्रिपुरा तो आज त्रिपुरा पीपल की तरफ से हम लोग कोई नहीं मंजूर है ये का सपोर्ट में तो हम लोग का बिना कंसर्न में इंडिया गवर्नमेंट कैसे लागू किया जाए कैसे लागू कर पाएगा अगर लागू करता तो वो पूरी तरफ से हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन का वायोलेशन कर कोई कमिटमेंट कोई एग्रीमेंट के डिफॉल्ट करता तो सिर्फ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये जस्टिस देना ही पड़ेगा ये क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 6 में तो आज भी ये कमिटमेंट और एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी कह जाती है ये इसको तो इंटरनेशनल ट्रीटी आज जिंदा है इसलिए आज इंडियन है हम तो इंडिया होने के नाते हम लोग का इंडिया का साथ जो जुड़ा हुआ कमिटमेंट दिया गया वो हम लोग का मिलने का हक है तो हम लोग हक के लिए हम लोग लड़ाई कर रही हो और हम सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस का ऊपर में उम्मीद है ये हम लोग का हक जरूर मिलेगी लेकिन मैडम इससे दिक्कत क्या है इससे तो कोई दिक्कत है नहीं कि मोदी जी ने भी अपनी रैली में कहा था कि जो इंडिया में रह रहे हैं लोग या मुस्लिमों की जिस तरीके से बात की जा रही थी उनके ऊपर तो ये है ही नहीं ये कोई मुस्लिम और हिंदू का बात नहीं है इलीगल इन इलीगल फॉरिनर इज फॉरिनर देयर इज नो इलीगल देयर इज नो एनी रेस रिलीजियस कास्ट इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री देयर इज नो ऑप्शन एनी कास्ट एनी रिलीजियस तो का मतलब क्या है का तो ओनली पर्सिक्यूशन जो माइनॉरिटी हिंदू बुद्धिस्ट सिख क्रिश्चियन वहाँ पे क्या है मेंशन किया गया है वो भी लिमिटेड कंट्री है क्या था अफगानिस्तान पाकिस्तान और बांग्लादेश तो वो तो पूरी तरफ से ये रेसिस है ये कम्युनियल एक लॉ है तो ये कम्युनियल लॉ को किसी का तरीके से भी हम लोग त्रिपुरा की तरफ से ये मान नहीं सकते और नहीं भी मानेगा और हम लोग का ये क्लियरली मेंशन है इंडिया गवर्नमेंट लागू कर सकते हैं एनी वेयर बट इन त्रिपुरा में नहीं कर सकते हैं लेकिन आज भी त्रिपुरा में एडीसी को ओनली एक्सक्लूड किया गया लेकिन ऑल त्रिपुरा स्टेट को इंक्लूड किया गया तो त्रिपुरा इस ये अगर सीए नहीं हटाते हैं तो हम इस पे वोट नहीं डालेंगे वोट नहीं करेंगे वोट तो कभी नहीं दिया हम लोग ऑलरेडी हम लोग तो वोट बॉयकॉट कर रही हो जब तक ना एडीसी इलीगली माइग्रेंट्स को कर रहे हैं जब तक ना इलीगली माइग्रेंट्स
हिंदू भी हो मुस्लिम भी हो, जो लोग एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 1940 19 जुलाई की बात, जो लोग इंडिया में आए हो वो लोग विदेशी है, इलीगल है, तो इलीगल फॉरेनर्स कैसे वोटर लिस्ट मिलेगा? तो ये एक ये जो आज तक जो वोटर लिस्ट ले रही हो, ये वोटिंग अधिकार ले रही हो त्रिपुरा में, अभी इलीगली माइग्रेंट्स जो जितना भी अभी पॉलिटिकल राइट्स ले रही हो वो तो पूरी तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन करके ले रही है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट पूरी तरफ से ये बैकिंग कर रही है। तो ये इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इलीगली माइग्रेंट्स को देश को चलाना चाहती है? अगर आप चाहती है तो आपको गुजरात में नहीं क्या हो, अगर मोदी चाहती है ना हिम्मत है तो मोदी एक बार दिखाओ ना, जितना भी त्रिपुरा में घुस बैठी है लोग घुस चुका है अभी आज तक जो रूल कर रहे हैं, गुजरात में आके करने दो, दिखाओ एक बार, इसके बाद कहाँ लागू करने के लिए बोलिए, ये है ना हम लोग का। तो इसलिए हम लोग बार बार अपील करके आया 2016 से, जब से सिटीजन से अमेंडमेंट बिल आया था तब से हम लोग अगेंस्ट में हम लोग मेमोरेंडम देकर आया, अपील करके आया, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट हम लोग का सेंटीमेंट को नहीं माना, आज एक्ट कर दिया, नोटिफिकेशन जारी दिया, गैजेट नोटिफिकेशन जारी दिया, और सुप्रीम कोर्ट में नॉट ओनली त्रिपुरा पीपल का तरफ से नहीं बहुत ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे अभी केस में हियरिंग है, तो ये जुडिशियली प्रोसेस को भी इंडिया गवर्नमेंट वायोलेशन कर रही हो। अगर ये सीए नहीं हटाते हैं और ये लागू रहता है तो आगे आपका क्या कदम? ये क्लियरली मेंशन है, ये हम लोग का कदम नहीं है, इंडिया गवर्नमेंट कमिटमेंट रखा है, अगर इंडिया गवर्नमेंट कोई किसी की तरीका से भी ये त्रिपुरा पीपल का सेंटीमेंट का रेस्पेक्ट नहीं करता तो डिफॉल्ट करता तो वहाँ पे सिर्फ जस्टिस देना ही पड़ेगा। तो अभी चीफ जस्टिस का हम लोग जस्टिस मांग रही है 22nd में, हम लोग उम्मीद करता हूँ, वेट कर रही हूँ क्या करता है, अगर चीफ जस्टिस भी इसको वायलेशन करता तो इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करना चाहिए, ये वहाँ तक हम लोग जाने के लिए तैयार है। मेरा नाम विदान देवबर्मा, मैं TPF का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए ये CAA का जो मामला है ऑल ओवर इंडिया और त्रिपुरा का कंटेक्स्ट, त्रिपुरा का कंटेक्स्ट अलग है। ऑल ओवर इंडिया में CAA अभी आप सोचिए पंजाब अभी पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से पंजाब में हो या गुजरात में हो कितने इलीगल होंगे, 10,000, 15,000, 20,000 या 30,000 होंगे, लेकिन त्रिपुरा में जो हम जो जब से इंडिया में मार्च करके आए हैं 15 अक्टूबर को, तो उससे पहले 1947 13 अगस्त को एग्रीमेंट हुआ था इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन, उसके बाद जो बाहर से मतलब बांग्लादेश से, अब तो बांग्लादेश से पहले पूर्व पाकिस्तान था, वहाँ से लाखों लाखों इलीगल इमिग्रेंट्स आया, रिफ्यूजी आया, तो अभी वो बैठा है। वो अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक तरह से देखें तो 1955 सिटीजनशिप एक्ट अभी भी इम्प्लीमेंट, वो अमेंडमेंट नहीं हुआ, जो इलीगल को लीगल बनाने के लिए अभी भी इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट नहीं किया गया, अभी लाया है 2016 में बिल लाया, अभी CAA हो गया। तो विदाउट टेकिंग लीगल इंडियन सिटीजन दोज हु केम फ्रॉम ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान नाउ बांग्लादेश, they have taken shelter, they have taken the political power, they have taken administration power, economic power, everything they have taken already without getting Indian citizen. This is the violation of Indian constitution. Article 5-6 mein clearly kaha gaya hai, according to article 5, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भारत का सिटीजन कौन होगा, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटमेंट किया गया 1950 26 जनवरी में, वहाँ जब इंडिया का जो सिटीजन वही होगा उसमें जो रहेगा, लेकिन वो जो पाकिस्तान से पूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश से जो आया आने वाला, तो वो उसके बाद आया है, तो वे कैसे सिटीजन हो गया? अभी उसको सिटीजन बनाने जा रहा है इंडिया गवर्नमेंट, जो मोदी गवर्नमेंट, अगर सिटीजन बन गया तो वो लीगल सिटीजन बन गया तो हमारा हाल क्या होगा? सिटीजन नहीं होते हुए भी वो लोग हम लोगों को बहुत चर्चा करके रूल किया हमारे स्टेट में इलीगली, तो आगे अभी CAA इम्प्लीमेंट करके लॉ बना के उन लोगों को सिटीजन दे दिया, तो लीगल सिटीजन दे दिया, तो हमारा का क्या होगा?
वो इंडिया के लिए भी खतरा है, त्रिपुरा के लिए भी खतरा है। अभी जैसे पूरे देश में हिंदुस्तान में ये सीए और एनआरसी को लेके ये सब जगह शोर मच रहा है और सब जगह ये जुलूस वगैरह ये सब इकट्ठे होके लोग आवाजें लगा रहे हैं, तो अभी तक सरकारों की जैसे आवाजें नहीं, आंखें नहीं खुली हैं। और आगे अभी कल मोहन भागवत ये कहते हैं कि अभी तो हम और आगे ये कानून लाएंगे, जैसे हम दो हमारे दो और जिनके ज्यादा होंगे उनकी कानूनी संपत्ति, हम दो हमारे दो जनसंख्या के ऊपर, और जिनके ज्यादा होंगे उनकी जो है कानूनी जो है जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं वो वापस ले ली जाएंगी और नहीं मिलेंगी आगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें हमारा कोई वो क्या कह रहा है उसके उसमें उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लाने वाले हैं, लाने वाले हैं, लाने दीजिए उसको। लेकिन त्रिपुरा में जो सीए के अगेंस्ट में, सीए के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, हम वही चाहते हैं जो आप सीए इम्प्लीमेंट करके बाहर के आदमी को रखना चाहते हैं, ठीक है रखिए, लेकिन त्रिपुरा में क्यों रखेंगे आप? त्रिपुरा में, त्रिपुरा तो ऑलरेडी 70 इयर्स वो इलीगल को बिठा चुका है। अगर रखना है तो आप वो 36 स्टेट, इंडिया में 36 स्टेट है, 36 स्टेट में इक्वली डिवाइड करके उसको ले जाइए, उसके बाद सीए को इम्प्लीमेंट कीजिए, तो भाई हमें कोई ऑफिस नहीं है। लेकिन त्रिपुरा में क्यों रखना है? त्रिपुरा तो ऑलरेडी 70 इयर्स से चुका है। तो अभी एक सवाल और, आप न्यूज सुनते हैं टीवी में, आपने देखा, सुनिए, शाहीन बाग का मुद्दा, दिल्ली में शाहीन बाग का मुद्दा ज्यादा उछला हुआ। शाहीन बाग में कहते हैं कि भाई 500-700 रुपए में लोगों को बिठाया जा रहा है और जो लोगों को इकट्ठा करा जा रहा है, गाड़ी में आते हैं और वो सीए और एनआरसी के अगेंस्ट बैठते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? दिल्ली में शाहीन बाग का मुद्दा तो आपने देखा होगा। देखा है, लेकिन मैंने पहले से कहा है जो ऑल ओवर इंडिया का जो मुद्दा एनआरसी और सीए के बारे में, लेकिन त्रिपुरा का मुद्दा अलग है, मुद्दा तो सबके एक ही एक ही नहीं है। लेकिन वो जो ये यहाँ जो सीए के खिलाफ हो रहा है, उसमें वो जो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल जो सेकुलरिज्म के खिलाफ, उस लिए वो आवाज़ उतर है। यहाँ पॉलिटिकल हो सकता है, पॉलिटिकल वो इशू हो सकते हैं, लेकिन हमारे त्रिपुरा में सर्वाइवल एग्जिस्टेंस का इशू है। अगर उन लोगों को सिटीजन दिया जाए तो हमारा क्या होगा? सिटीजन नहीं होते हुए भी वो लोग 70 साल हमारे जमीन सीना है, हमारा जो हक सीना है, सब कुछ सीना है। अगर सिटीजन दे दिया तो हमारे दिन में वो बेटियों को रेप करके मर्डर कर दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, वो जस्टिस नहीं मिलेगा, ऐसा होगा। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहता है? 70 साल इलीगली रूल कर चुका है, उसको लीगली बनाकर हम लोगों को वहाँ से एग्जिस्टिंग वो हमारा को वो दंश करना चाहता है। तो इसलिए हम चाहते हैं पहले त्रिपुरा में वो जो हमारा जो एनआरसी का केस अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, एनआरसी के द्वारा इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए पहले, उसके बाद उसको डिवाइड कीजिए 36 सिस्टम इंडिया में, 36 इंडिया में 36 स्टेट इंक्लूडिंग यूनिटेड टेरिटरी, उसको डिवाइड करके ले जाइए, तब हम सीए के खिलाफ नहीं है। आप लॉ बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन हम घर में बिठाए, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? 70 साल हमने इंसाफी सहा है, इंडिया गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफी क्या है और नहीं सह सकते हम इंसाफी। हम अभी इंसाफ चाहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हम यही अपील करते हैं, जो 70 साल से जो पॉलिटिकली हो या किसी भी कारण से हो, हम बहुत सह चुका है, इंसाफी हुआ है हमारे साथ, अभी और इंसाफी नहीं होने देंगे, अभी हमारे साथ इंसाफ कीजिए, पहले इलीगल आइडेंटिफाई कीजिए एनआरसी के द्वारा, उसके बाद 36 स्टेट में उसको डिबेट करके ले जाइए, तब हम सीए के खिलाफ नहीं होंगे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे खिलाफ अगर हमारे फेवर में जस्टिस नहीं मिला, तो हम वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाने के लिए हम ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसलिए बार बार हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आज के ये प्रोटेस्ट गैदरिंग की तरफ से अपील कर रहा है, हमारे साथ जो नाइंसाफी हुआ है अभी इंसाफ कीजिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को बचाइए, देश को बचाइए, ये कहना है हमको। थैंक यू फॉर आवर मीडिया। तो आज जो हम लोग जो मुद्दा लेके आया है, इंडिया का कैपिटल दिल्ली में बहुत दिन हम लोग प्रोटेस्ट करके आया है जो इलीगल फॉरेनर्स को लेके। तो हम सेक्रेटरी जनरल टीपीएफ का, मेरा नाम है कांति देव वर्मा,
तो जो मुद्दा को लेके हम लोग आज रैली किया जंतर मंतर में आया, तो पहले हम इंडिया का सब इंडियन जीनियन सिटीजन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो सीएए बिल को किसी ने उसको एक करने के लिए अपील कर रहा है और किसी ने उसको रोकने के लिए अपील कर रहा है, तो हमारा तरफ से त्रिपुरा वासियों की तरफ से हम लोग इस एक्ट को नहीं मानता हूँ। किस लिए? क्योंकि जो एक्ट हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। हम लोग का हिस्ट्री देखिए, इंडिया का इतिहास देखिए, इंडिया का इतिहास में क्या क्या है। 200 साल अंग्रेजों ने भारतवर्ष को शासन किया, फिर भी भारतीय लोग हार नहीं माना। महात्मा गांधी के नेतृत्व इस ब्रिटिश को हटाने के लिए बहुत आंदोलन किया, बहुत लोग सेक्रीफाइस किया, फिर भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते हुए भी आंदोलन किया। कॉन्स्टिट्यूशनली राइट्स के मुताबिक ब्रिटिश को इस देश से हटाया, फिर आज भारतवर्ष एक स्वाधीन राष्ट्र बन चुका है। फिर भी भारतवर्ष के अंदर में जो जो स्टेट क्या क्या स्टेट है विदेशी के हाथ में शासित हो रहा है, उस लोग इंडियन लोग नहीं जानता, क्योंकि अपने आप को सिर्फ फ्रीडम मानता हो और अपने आप के लिए बोलते हो सब लोग। क्योंकि आज हम लोग जो त्रिपुरा से आया है, इंडिया में आए तो घुसाया जा रहा है, तो हम लोग आज जो दिल्ली में आया है, त्रिपुरा कहाँ से किसी हाँ मैं बोल रहा हूँ, किसी दिल्ली वासियों ने अभी त्रिपुरा कहाँ है वो अभी तक मालूम नहीं, तो कैसा मालूम होगा त्रिपुरा में इलीगल अभी रूल कर रहा है। तो इसी बात हम लोग बोलने जा रहा हूँ सब इंडियन वासियों को, पहले त्रिपुरा को समझो और त्रिपुरा को पहचानने के लिए जानो क्या क्या इंडिया में कौन सा स्टेट है, स्टेट में क्या क्या हो रहा है। जो अभी इंडिया गवर्नमेंट जो बिल ला रहा है वो बिल्कुल इस देशियों इस जीनियन सिटीजन के लिए खिलाफ है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कोशिश करते हुए विदेशी को इस देश से हटाया, तो अभी तक कोई भी नहीं विदेशी को हटाने के लिए काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आज तक हम लोग जो जी रहा है, हम लोग जो त्रिपुरा में जो हम लोग जीनियन सिटीजन लोग जो सह रहा है, इंडिया में कोई स्टेट अब नहीं सह, तो हम लोग आज जो बोलना जा रहा है वो विदेशी फॉरेनर उसको इस देश में जगह देने के लिए कोई एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल में भी कोई देश अपने आप देश में विदेशी को जगह देने के लिए तैयार नहीं, तो इंडियन क्यों तैयार रहेगा। इसलिए हम लोग का मांग यही है, विदेशी उसका जगह में वो लौट के जाना चाहिए, वो भी सम्मान के साथ।